हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में जो डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक, थोड़ा सा हट के, और अभी तक आपने मेरे चैनल पे ये डिज़ाइन कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही डिफरेंट है, सच बता रही, बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा वीडियो देखना। और अगर मेरा ये मेहंदी डिज़ाइन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक हेड बनाया है, यानी कि एक सिर बनाया है एक गर्ल का। तो ये जो डिज़ाइन है काफ़ी हद तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, मतलब लुक वाइज सिंड्रेला, ठीक है। तो जो इसका बैक साइड होगा ना, मैं उस वहाँ से स्टार्ट करी। मैंने अभी फेस अप्लाई नहीं किया है, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं मैं कन्फर्म तरीके से बना पाऊँ कि ना बना पाऊँ। सच बता रही, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे झूठ बोल के ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, बट आपको बहुत जल्दी फ्रंट की भी सिंड्रेला आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारी गर्ल्स की ना पहले भी रिक्वेस्ट आई, बहुत सारी गर्ल्स की, मैं इस टाइम पर तो नहीं भूलूंगी। बट फाइनली पता है, मैं कमेंट देख रही थी अपने सारे वीडियोस के, तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी एक वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के और मेरा मन करा। शायद मेरे को उस टाइम बनाने का मन किया होगा, पर हो सकता है कि शायद मैं भूल गई हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं और रिक्वेस्ट बहुत सारी होती है ना, तो समझ में नहीं आता कि मैं कौन कौन सी पूरा करूँ। पर ये होता है कि जो काफ़ी हद तक एक जैसे कमेंट होते हैं उनको मैं पूरा कर लेती हूँ, ताकि काफ़ी सारे लोगों की एक जैसी होती है ना, तो वो मैच कर जाती है, तो मेरा एक वीडियो अच्छा खासा आप लोगों के लिए बन जाता है। और आप लोगों को भी बुरा नहीं लगता कि भाई मेरा नहीं बनाया, मेरा नहीं बनाया। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में फिर दूसरे वाले भी कॉमेंट को मैं रीड करके वीडियोज़ बनाती हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने सिर से स्टार्ट किया था, उसके बाद उसका बैक जो जूड़ा वगैरह सब है वो, और ये मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि ये हेड है, उसके बाद आपको शोल्डर वगैरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस हल्का हल्का सा ना डॉट डॉट करके पहले चले जाना है। अगर आप जैसे अगर पहली बार बना रहे हो तो आप पेन या पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। पहले कॉपी में अच्छे से बना के देख लो, उसके बाद अपने हैंड पे अप्लाई करो। मैंने पता है बनाना जब शुरू किया था ना, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं सही से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट ना डॉट डॉट करके ही अप्लाई किया, जो कि मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुकी हूँ कि कभी भी कोई मैंने डिज़ाइन स्टार्ट करो ना, तो उसको डॉट डॉट करके ही अप्लाई करो, ताकि आपका हाथ भी ख़राब नहीं होगा। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हाथ ख़राब नहीं होता, और डॉट डॉट से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपने डॉट डॉट कर लिया, अगर चाहे वो डिज़ाइन बना रहे हो चाहे किसी का फिगर बना रहे हो ना, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ आपका परफेक्ट बन चुका है, तो आप उसमें फिर जो डार्क लाइनिंग होती है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले वही जूड़े से स्टार्ट किया था, शोल्डर बनाया, फिर उसके बाद जो उसका टॉप था वो बनाया, उसके बाद जो गाउन का नीचे वाला हिस्सा था ना वो बनाया मैंने। और आप देख सकते हो कि डिज़ाइन इसमें कुछ भी मैंने ऐसा अप्लाई नहीं किया है कि जो मतलब बहुत ही टफ हो। कितने सिंपल स्टेप से एक सिंड्रेला जैसी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ फिंगर पे मैंने जो डिज़ाइन अप्लाई किया है, भरवा डिज़ाइन अप्लाई किया। अभी आप देखना कि भरवा डिज़ाइन अप्लाई करने से कितना हाईलाइट करेगा वो एरिया। और क्योंकि जो डिज़ाइन है पूरे हाथ में जो है तो बहुत ही सिंपल सा ही, बट एक अलग और यूनिक सा मतलब करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल नहीं देखा है तो माधवी रश्मि ब्लॉग में जाके विजिट कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वहाँ पे बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखिए, आप लोगों की अगर कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, अभी एक वीडियो में मैंने जिससे पहले वाला वीडियो आया था उसमें मैंने नेल आर्ट बनाए थे, तो आप लोगों में से कमेंट आया था कि मतलब कैसे बनाए हैं नेल आर्ट। देखिए बहुत आसान होता है, मैं एक नेल आर्ट का पूरा प्लेलिस्ट लास्ट में लगा दूंगी वीडियो सारे, तो आप उसे देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैं जल्दी ही एक नेल आर्ट का वीडियो लेकर आ जाऊंगी, तो आप वहाँ पर सीख सकते हो। बहुत आसान होता है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की बातें होती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े बड़े फूलों को मैंने लास्ट किनारे पर अप्लाई कर दिया है, और ये जिसका फाइनल लुक है ना बहुत मस्त लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।